क्या भारत अक्साई चीन को भी भारत में मिलाने की तैयारी कर रहा है? क्या भारत पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी एक साथ सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है? चीन ने भी लद्दाख के पास बढ़ा दी है अपने सैनिकों की संख्या, तो क्या अब चीन को डर है? भारत अक्साई चीन पर भी कार्रवाई करेगा? अगर चीन की खबरों की माने तो भारत अक्साई चीन के अंदर तक घुस चुका है और आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। दरअसल इस समय चीन भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा चाल चल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया ही चीन के खिलाफ हुई पड़ी है। भारत WHO का चेयरपर्सन बनेगा तो चीन पर दबाव इस समय चरम पर है। चीन भारत से किस कदर जला हुआ है कि अब उसने अपना पूरा दम झोंक दिया है ताकि भारत को रोका जा सके। पिछले एक महीने में ही चीन ने 4 बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत से भिड़ने की जरूरत की है। सिक्किम से लेकर लद्दाख तक चीन बार बार भारत से भिड़ रहा है और अब खबर ये भी आई है कि चीन ने अपनी आर्मी की संख्या बॉर्डर पर बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो इस समय चीन में ये चल रही है कि भारत अक्साई चीन में जा चुका है। ये खबर चीन की मीडिया की तरफ से आ रही है, जबकि भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दरअसल चीन की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि भारत ने गलवान वैली में डिफेंस पॉइंट बनाए हैं, साथ ही रोड्स का निर्माण भी किया है, जबकि भारत का कहना है कि भारत की यह सड़क भारत की सीमा रेखा के अंदर है। इसी कारण दोनों देशों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको ये समझना होगा कि चीन चाहता क्या है और क्यों वो बार बार भारत को उकसा रहा है। ये बहुत ही बड़ी चाल है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पहले तो चीन जानबूझकर सिक्किम में भारत से बॉर्डर पर ऊंचा, उसके बाद लद्दाख में। इसी के साथ चीन ने नेपाल को भी जानबूझकर लिपु लेक और काले पानी का मुद्दा उठाने को कहा, जबकि आप देख सकते हैं लद्दाख में भी सड़क का काम कई महीनों से चल रहा था, तब चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसा ही हाल नेपाल का भी था। लिपु लेक में भारत चीन से जुड़ने वाली सड़क बना रहा था, जिससे मानसरोवर की यात्रा बहुत ही छोटी हो जाएगी। जब ये सड़क बन रही थी तब नेपाल की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई, लेकिन अब जानबूझकर ये दोनों देश सीमा विवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसके पीछे साफ साफ चीन की चाल है। इस समय चीन चारों तरफ से फंसा हुआ है। सारे देश चीन पर सख्त हैं और बड़े कदम उठा रहे हैं। भारत भी इस समय POK पर हलचल कर रहा है, तो भारत का पलड़ा इस समय बहुत भारी है। चीन ये जानता है कि भारत इसका फायदा उठाकर चीन को दबा सकता है, जिसे चीन को कोई समझौता करना पड़ सकता है। वहीं भारत चीन को दबाकर पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए चीन भारत को बार बार सीमा विवाद में घसीट कर दबाने की कोशिश कर रहा है। चीन इस बात को मुद्दा बनाकर यूनाइटेड नेशंस में उठा सकता है कि भारत जानबूझकर सीमा विवाद खड़े कर रहा है, जिसमें 3 देशों का नाम आ सकता है, क्योंकि भारत POK पर तो कार्रवाई करने के पूरे मूड में है, लेकिन चीन और नेपाल जानबूझकर भारत पर दबाव डालकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत की रणनीति का भी टेस्ट होगा कि भारत कैसे इससे बाहर निकलता है। अगर बात करें भारत और चीन की, तो दोनों देशों की तनातनी लंबी चल सकती है, जिससे नेपाल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि चीन के पीछे लगकर भारत को दबाने की कोशिश में नेपाल ये भूल जाता है कि अगर भारत ट्रेड में भी थोड़ी सी सख्ती करता है तो नेपाल का दीवाला निकल जाएगा, जबकि चीन सिर्फ नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है और यही नेपाल की सरकार आम जनता से छिपाती आ रही है। अब देखते हैं भारत का अगला कदम क्या होता है। आपको क्या लगता है भारत को अब क्या करना चाहिए, हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।